नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? हमारे चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत की। मित्रों, व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। एकादशी की तिथि को अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है और हमारे धर्म में इसे काफ़ी पवित्र माना गया है। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु की प्रिय तिथि भी मानी गई है, जिसके कारण हमें भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके लिए एकादशी की तिथि को शुभ माना गया है। शास्त्रों में एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को विशेष पूजा का महत्व बताया गया है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आपके जो भी मनोकामनाएं होती है वह पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी भी कहा जाता है। इंद्रा एकादशी व्रत कब है? मित्रों, पंचांग के अनुसार 2 अक्टूबर 2021 में शनिवार को अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस तिथि को इंद्रा एकादशी कहा जाता है। वर्तमान समय में पितृपक्ष चल रहे हैं, इसलिए इस एकादशी को इंद्रा एकादशी के साथ साथ पितृ एकादशी भी कहा जाता है और इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। तो मित्रों, इसके साथ ही एकादशी के व्रत का क्या महत्व है? मित्रों, इंद्रा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत को रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहती है और आपके पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है और आपके पितर आपसे काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे आपके घर में मां लक्ष्मी का सदा के लिए निवास हो जाता है। तो मित्रों, अब बात करते हैं एकादशी के मुहूर्त की। मित्रों, एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त यह है कि यह एकादशी तिथि प्रारंभ 1 अक्टूबर 2021 को सुबह 11:03 से होगी और एकादशी तिथि समाप्त 2 अक्टूबर 2021 को सुबह 11:10 पर समाप्त हो जाएगी। एकादशी का प्रारंभ मित्रों आप 3 अक्टूबर 2021 को 6:15 सुबह से 8:37 सुबह तक कर सकते हैं, जिससे आपके व्रत का आपको उचित फल प्राप्त होगा। तो मित्रों, अब बात करते हैं एकादशी पर्व की कथा की। मित्रों, हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में महिष्मति नाम का एक नगर था। इस नगर का राजा इंद्रसेन हुआ करता था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु का काफ़ी परम भक्त था। एक दिन राजा इंद्रसेन के पास नारद मुनि प्रकट हुए और उनके पिता का संदेश सुनाया। पिता ने संदेश में बताया कि पिछले जन्म में किसी समय भूल के कारण यमलोक में ही उन्हें यमलोक से मुक्ति के लिए उनके पुत्र को इंद्र एकादशी का व्रत रखना होगा, ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। इसके बाद राजा ने विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत से पूर्व राजा ने दशमी की तिथि पर पितरों का श्राद्ध किया और एकादशी व्रत का संकल्प लिया। राजा ने द्वादशी की तिथि में व्रत का विधि पूर्वक प्रायण किया। व्रत पूर्ण होने के बाद राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई, इसलिए पितृपक्ष में इस एकादशी का काफ़ी महत्व बढ़ जाता है और इस व्रत को करने से आपके पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है और आपके जो भी कष्ट होते हैं वह दूर हो जाते हैं और आपके घर में हमेशा मां लक्ष्मी का निवास रहता है और भगवान विष्णु की कृपा सदा ही आपके ऊपर बनी रहती है। तो मित्रों, यह थी हमारी पितृपक्ष एकादशी से जुड़ी कुछ जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।